नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, जय भीम, हैलेलुया। मैं हूं अन्नू कपूर, हाजिर हूं। इजाजत चाहता हूं उस प्रोग्राम को शुरू करने की जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पहली कहानी, किसने बचाई अमिताभ बच्चन की जान। दूसरी कहानी, किस कारण से आउट कर दी गई दिव्या भारती यश चोपड़ा की उस फिल्म से जिसका नाम था डर। जी हां, डर में पहले दिव्या भारती थी, उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स फिर तेरी कहानी याद आई, द रिपीट वैल्यू, उसके बाद एक और दिलचस्प किस्सा, और अंत में हमारे श्रोता श्री भारत भूषण शर्मा के प्रश्न का उत्तर। तो जनाब, लोकेशन थी बंबई का होटल सीरॉक, बैंड्रा, वहां पर, याद है ना। डायरेक्टर राकेश कुमार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। फिल्म थी 2 और 2 5। फाइटिंग का सीन था बिटवीन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। अमिताभ बच्चन को रेलिंग से कूदना था, तो सबने बताया, मतलब जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग थे, कि सर सेफ्टी के लिए कुछ पहन लीजिए। लेकिन अमिताभ डेयर डेविल थे, सीन में जान डालने के चक्कर में किसी की नहीं सुनी। शॉट शुरू हुआ, अमिताभ रेलिंग पर चले, अमिताभ भागे, रेलिंग पकड़ी, लेकिन अचानक सडनली जबरदस्त सिवियर एक्यूट अस्थमा का अटैक आ गया उन्हें। इस बात की किसी को भी जरा भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ घट जाएगा। अस्थमा का अटैक इतना भीषण भी हो सकता है, बहुतों ने पहली बार देखा। अमिताभ बच्चन उसी रेलिंग पर लड़खड़ा गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन शशि कपूर जो उन्हें चेस कर रहे थे, उनके पीछे थे, शशि कपूर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है, 100% कुछ गड़बड़ है। और अमिताभ बच्चन इससे पहले कि लड़खड़ाकर छत से नीचे गिरते, शशि कपूर ने बहुत फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ अमिताभ बच्चन को पूरी ताकत से पीछे से पकड़कर खींच लिया। अमिताभ बच्चन की जान बच गई और एक भयंकर दुर्घटना शशि कपूर की मुस्तैदी और अलर्टनेस के कारण टल गई। यश चोपड़ा ने एक फिल्म शुरू की, नाम था डर। हीरो सनी देओल, हीरोइन कास्ट की गई दिव्या भारती। फिल्म में एक नेगेटिव रोल था जिसके लिए यश चोपड़ा ने चुना आमिर खान को। आमिर खान की कैंप में एंट्री होते ही आमिर खान ने सबसे पहले जो प्रपोजल रखा वो ये रखा कि हीरोइन चेंज कर दो, क्योंकि आमिर खान की पसंद थी जूही चावला। यश चोपड़ा ने हीरो आमिर खान की बात मान ली, दिव्या भारती आउट, जूही चावला इन। लीजिए साहब, शूटिंग की तैयारियां होने लगी। लेकिन इसी अंतराल में एक और गंभीर समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। आमिर खान ने स्क्रिप्ट में दखल अंदाजी, फटे में पैर अड़ाना शुरू कर दिया। ये जो फटे में पैर अड़ाने की आदतें थी, ये जो कोशिश थी, ये यश चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। हीरो आमिर खान अपनी जिद पर, इधर यश चोपड़ा वेटरन अपनी जिद पर। तो फैसला ये हुआ कि भाई, कि दोनों में से कोई एक ही फिल्म छोड़ सकता है। आमिर खान का कुछ गया तो था नहीं, जाता तो यश चोपड़ा का जाता। तो फैसला यह किया गया कि आमिर खान तुम ही फिल्म छोड़ दो। इस तरह से आमिर खान ने फिल्म छोड़ दी। जिस आमिर की वजह से दिव्या को फिल्म से निकाला गया था, उसी आमिर को खुद फिल्म छोड़नी पड़ी और आमिर की जगह आ गया शाहरुख खान। मगर दिव्या भारती को इस बात का हमेशा मलाल रहा कि उसके हाथ से एक बेहतरीन फिल्म निकल गई। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? रोहित मिश्रा बोल रहा हूँ, कानपुर से। अच्छा मिश्रा जी, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कि आपसे बात हो रही। जी जी, मैं काफी दिन से परेशान था आपसे बात करने के लिए। अरे परेशान होने की क्या जरूरत है, हम खुद आ गए आपके पास। और मैं और मेरी मिसेज आपके बहुत ही, मतलब एक फैन होता है, एक भक्त होते हैं, मतलब भक्त है आपके। धन्यवाद मिश्रा जी। कहाँ कहाँ निवास कहाँ है कानपुर में? कानपुर में हमारा ये यशोदा नगर में है निवास। अच्छा, और आप सर्विस कर रहे हैं कि बिजनेस में?
नहीं, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, यहाँ पे जिला पूर्ति कार्यालय जो राशन कार्ड का विभाग है जी जी राशनिंग ऑफिस में हूँ बाबू। और ये कार्यक्रम सुनते हैं आप? हाँ, ये कार्यक्रम डेली सुनता हूँ। और घर में कौन कौन है मिश्रा जी? घर में एक माता जी है हमारी पूरी, और वाइफ है, दो बच्चे हैं, एक लड़का है। जी, जी। माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम नमस्कार कहिएगा, भाभी जी को प्रणाम। कोई फरमाइश है तो मैं पूरी कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरे महबूब कयामत, ठीक है, मेरे महबूब कयामत होगी, किशोर कुमार का गाया हुआ ना। ठीक है रोहित मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कानपुर वाले सबको, सभी परिवार को मेरे प्रणाम कहिएगा। नमस्कार। बात 1980 के दशक की है, जब ऋषि कपूर और टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी हो चुकी हैं, कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। आपके दीवाने, कर्ज, कातिलों के कातिल इत्यादि। इसके अलावा कुछ और भी फिल्में थीं जिसमें ऑलरेडी इन दोनों ने काम किया था, बड़े दिलवाला, दीदारे यार, ये वादा रहा इत्यादि। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो गईं, फिर भी टीना मुनीम के साथ ऋषि कपूर की जोड़ी दर्शकों को पसंद आ गई। और जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री में जैसा होता है, इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ वाबस्ता कर दिया गया। बस यही बात संजय दत्त को परेशान करने लगी। संजय और टीना दोनों बचपन के दोस्त थे। 1981 में एज ए हीरोइन टीना मुनीम की संजय दत्त के साथ उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी भी रिलीज हो चुकी थी। शायद यही कारण था कि संजय दत्त को ऋषि कपूर के साथ टीना की वाबस्तगी, लगातार फिल्मों में एक साथ आना नागवार गुजर रहा था। वो कहते ना, जब हसीना एक हो और दीवाने दो तो गलत फहमियां पैदा हो ही जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दो दीवानों के बीच। और ये वो दौर था जब ऋषि कपूर, टीना मुनीम और संजय दत्त तीनों शादीशुदा नहीं थे। संजय की माता जी का देहांत कैंसर से हो चुका था और संजय उस समय नशे की लत में बुरी तरह गिरफ्तार थे। इसलिए जब टीना और ऋषि कपूर की नजदीकियों की सही या गलत खबरें संजय के पास पहुंची, तो वो गुस्से में एक दिन अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर को मारने के इरादे से नीतू सिंह के पाली हिल वाले बंगले पर जा पहुंचे। नीतू सिंह को जब संजय दत्त के इरादे का पता लगा तो घबरा गई। किसी तरह बीच बचाव करते हुए उन्होंने जब संजय को समझाया कि ऋषि और टीना के बारे में जो कुछ भी उन्होंने सुना है वो सही नहीं है, तब जाकर संजय का गुस्सा हल्का पड़ा, अकल आई। बाद में जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह शादी के बंधन में बंध गए तो सारी सच्चाई अपने आप सामने आ गई। प्रकाश झा की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का एक गाना, हंसमत पगली प्यार हो जाएगा। इस गाने के रचे जाने की भी एक दिलचस्प कहानी है, जो इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार ने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताई। अक्षय कुमार कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के समय वो फिल्म के लेखक सिद्धार्थ और गरिमा के साथ रोड ट्रिप कर रहे थे, तभी उनकी नजर आगे जा रहे एक ट्रक के पीछे लिखी एक पंक्ति पर पड़ी। वो लाइन थी, हंसमत पगली प्यार हो जाएगा। अक्षय को लगा कि ये पंक्ति तो उनकी फिल्म की सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने साथ बैठे राइटर से पूछा, क्या वो इस हुक लाइन को लेकर फिल्म का गाना रच सकते हैं। राइटर्स ने इसे चैलेंज की तरह लिया और एक गाना रच दिया, जो कंपोजर विक्की प्रसाद के निर्देशन में सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने गाया। अक्षय का मानना है कि यह गाना उनकी और भूमि पेडनेकर की फिल्म पर बिल्कुल फिट बैठा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ट्रकों के पीछे लिखे स्लोगन्स और फिल्मी गीतों का रिश्ता नया नहीं है, बहुत पुराना है। मिसाल के लिए याद कीजिए बंटी और बबली का वेट गाना, कजरारे कजरारे। इस गाने की कुछ पंक्तियां जैसे, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं तेरे अपने शहर वाले, या आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, ये गीत ट्रक के पीछे लिखे हुए जो वाक्य होते हैं, स्लोगन समझ लीजिए या नारे होते हैं, कुछ भी लाइंस होती हैं, उससे ही मोटिवेट होकर लिखे गए हैं। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मैं तो भर के चली। हमारे दिल्ली के श्रोता श्री भारत भूषण शर्मा ने पूछा है प्रश्न कि अभिनेत्री सनी लियोनी का असली नाम क्या है, विस्तार से जानकारी दें। तो भारत भूषण शर्मा जी, जहां तक मुझे पता है, सनी लियोनी का जन्म हुआ 13 मई 1981 को सार्निया नाम की एक छोटी सी जगह पर, जो ऑन्टेरियो कनाडा में है। इसे स्मॉल सिटी, एक सिक्स फैमिली में पैदा हुई थी। आपके पिताजी जो थे वो तिब्बत में पैदा हुए थे, दिल्ली में रहे, उसके बाद कनाडा आके बस गए। माताजी आपकी
सिरमौर करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश, वहां की थी। इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, कैनेडियन और अमेरिकन दोनों। अमेरिकन सिटीजनशिप के कागज पर, डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम जो दर्ज है वो नाम है करणजीत कौर वोरा। 2011 में इन्होंने शादी की, हस्बैंड म्यूजिशियन भी थे, हस्बैंड का नाम है डैनियल वेबर। और क्या बताऊं, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनके बारे में। मुझे उम्मीद है कि भारत भूषण शर्मा जी ने जो जानकारी मुझसे विस्तार से मांगी थी प्रश्न के रूप में, उसका उत्तर सही दे पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। प्रार्थनाओं में, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।